आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, डिप्रेशन का इलाज बिना मेडिसिन का या बिना दवाई का कैसे हो सकता है, वो आसानी से कैसे हो सकता है। तो क्या है कि डिप्रेशन का जो मरीज होता है उसको एक साइकोथेरेपी दी जाती है। वैसे तो अलग अलग काफ़ी साइकोथेरेपी है, मगर एक जो साइकोथेरेपी दी जाती है उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। कॉग्निटिव मतलब विचार और बिहेवियर मतलब व्यवहार, थेरेपी मतलब उपचार। तो विचार, व्यवहार, उपचार, ऐसा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या होता है कि जो निगेटिव विचारों के लोग हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, मतलब उनका मूड ठीक नहीं है, मूड नर्वस है, डिप्रेस्ड है, सैड है, और उनको विचार भी निगेटिव विचार आते रहते हैं, और फिर वो विचार बढ़ते बढ़ते जाते हैं। सवाल यह आता है कि निगेटिव विचार है करके निगेटिव मूड हुआ, या निगेटिव मूड हुआ करके निगेटिव विचार हुआ, ऐसे वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको किसी उसके दोस्त के यहां एक फंक्शन था और उन्होंने, वो दोस्त ने उसको निमंत्रण नहीं दिया। अब डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो दिमाग में उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं कि ये दोस्त ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसका मतलब ये मुझे निग्लेक्ट करता है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे काफी सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं, लोग तो मुझे टालते रहते हैं, कल भी लोगों ने ऐसे किया था, आज भी ऐसे किया, देखो सब लोग वहां जा रहे, उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तो मैं वो लायकी का नहीं हूं, मैं लोगों को अच्छा लगता नहीं हूं, मेरी लायकी भी ऐसी नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा हो जाएगा, और मैं खुदकुशी कर लूंगा तो अच्छा होगा। मतलब देखो कहां से कहां हो रहा है, एक निमंत्रण पत्रिका नहीं मिली, वहां से वो जा रहा है कि भाई मैं खुदकुशी कर लूं तो ठीक होगा क्योंकि मैं वो लायकी का नहीं हूं। देखो ऐसे विचार हो जाते हैं। अभी हम ये जो चक्रव्यूह में फंस जाता है कि मुझे लोगों ने बुलाया, मतलब उसने मुझे बुलाया नहीं, वो मैं लायकी का नहीं, अभी उसका मूड हो गया निगेटिव। अब निगेटिव मूड हो गया, फिर और कुछ आता है, समझो कोई देखता है उसको, बोले देखो मेरे को वो निग्लेक्ट कर रहा है, उसने देखा ही नहीं, उसने मेरे को हाय कहा नहीं, उसने मेरे को नमस्ते नहीं किया, इसका मतलब वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, उसने भी मुझे खाने को नहीं बोला, इसने मुझे देखा नहीं और हाय नहीं किया, और निगेटिव विचार, ऐसे विचार आते आते वो कुछ कम ज़्यादा भी कर लेता है। अभी हमको क्या करना है, हमको जो निगेटिव विचार है तो उसको जब हम CBT देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो हम उसके साथ में बैठते हैं, पूछते हैं कि देखो आपको विचार कब आया, बोले जब उसने पत्रिका नहीं दिया, कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण पत्रिका नहीं दिया, और मुझे मालूम पड़ा कि बाकी सबको बुलाया मुझे बुलाया नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो लायकी का नहीं हूं, वो मुझे टाल रहा है। मैंने ठीक है, अब देखो ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो आपने बताया कि इसका मतलब ये हो गया, क्या इसके और भी कुछ मतलब निकल सकते हैं, जरा बताइए। बोले हाँ इसका मतलब और ही निकल सकता है कि उसने भेजी होंगी निमंत्रण पत्रिका और मुझे मिली नहीं होंगी, मतलब ये भी हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, हो सकता है कि उसने जिसके पास में दिया होगा उसने उसको झूठ बोला होगा और दिया ही नहीं होगा, उसने उसको लगता होगा तो मैंने पत्रिका दिया है, एक्चुअली भेजा ही नहीं, उसने भेजा है मगर दिए देने वाले ने दिया नहीं है। अच्छा उसने ही दिया मगर आपके यहाँ घूम गई वो और आपको मिली नहीं, आपके वहाँ किसको आदमी को दिया तो उसने आपको दिया ही नहीं, मतलब काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। आप जो एक कारण लेके बैठे हैं कि अभी वो मेरे को टाल रहा है और सभी लोग मुझे टाल रहे हैं और वो मैं भी लाइक कहाँ जा रहा हूँ विचार, तो वो हमको प्रेजेंट करवा के देना पड़ता है। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मैंने उसका एक ग्लिम्स आपको दिया। अभी देखो ये तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, घर पर करेंगे तो आप घर पर तो सब लोग करते रहते अपने अपने कोशिशें, मगर वो कोशिश से होता कुछ नहीं है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देने के लिए स्पेशलाइज लोग हैं, साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट है वो दे सकते हैं। तो ये आपने ट्रायल एंड एरर करना और उसमें पे जान खतरे में डालना, इसके बदले आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, और साइकियाट्रिस्ट को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सिर्फ ये बिहेवियर थेरेपी देके होगा नहीं, मेडिसिन देना जरूरी है, तो मेडिसिन भी देगा, और मेडिसिन देके यदि केमिकल लोचा है, केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, तो पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा सभी लोगों को शेयर करो, ताकि घर घर में जो लोग सोचते कि नहीं मैं अच्छा साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और लोगों को एक्चुअली अच्छे करने के बजाय एक्चुअली वो खतरे में डाल देते, तो वैसा होगा नहीं। और कितने सारे लोग जो डिप्रेस्ड है उनके फायदे का ये हो जाएगा, लोग कंसल्ट करेंगे प्रॉपर आदमी को और अपना इलाज करवा के लेंगे। थैंक यू वेरी मच।